क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 14 क्लास। आज हम करेंगे पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है? वेयर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल आर्टिकल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ऐसा प्रोसेस जहाँ पर रॉ मटेरियल को यूजफुल आर्टिकल्स में बदला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दोनों में डिफरेंस बताना है। पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विच यूज प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज मिनरल का प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में करती हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। हाउ कैन इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी इन इंडिया। इंडस्ट्रीज जो है भारत में गरीबी कैसे कम कर सकती हैं? आंसर, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स एंड हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स एंड हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दोनों में डिफरेंस बताना है। आंसर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द फैक्ट्रीज आर स्मॉल एंड प्रोड्यूस मोस्टली कंज्यूमर गुड्स इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज स्मॉल होती हैं और वो जो है कंज्यूमर गुड्स जो है बनाती हैं। कंज्यूमर गुड्स बनाती क्या कहलाती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल सच एज आयरन एंड स्टील प्लांट टेक्सटाइल मिल्स एटसेट्रा। वे जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं लार्ज स्केल पर, जैसे कि आयरन एंड स्टील प्लांट टेक्सटाइल मिल्स, जो इनको काफ़ी लार्ज मशीनों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। क्लास पार्ट डी, पार्ट डी आपका लर्न एंड राइट है। प्लीज क्लास, राइटिंग जो आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ। पार्ट डी लर्न एंड राइट।